रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में फीस वसूली को लेकर तनातनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को जबलपुर में एनएसयूआई रघु तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी किया। संगठन का कहना था कि एक तरफ कोरोना के चलते जहाँ लोगों की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ महाविद्यालयों द्वारा छात्रों पर 3 महीनों की फीस वसूली को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। संगठन ने विश्वविद्यालय से फीस माफ करने की मांग की है और ऐसा ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले पर उचित कार्यवाही का भरोसा दिया है। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट। आज जबलपुर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा हम विगत कई दिनों से विश्वविद्यालय में यह मांग कर रहे थे कई मुद्दों को लेकर, तो आज हमने एक विशेष मुद्दा उठाया था छात्रों के हितों के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व में इस समय एक महामारी बहुत गंदे तरीके से फैल रही है, COVID-19 कोरोना वायरस। इस महामारी से भारत का हर एक परिवार, हर एक वर्ग का व्यक्ति, उसकी पीठ की कमर टूट गई है, उसके कमाई का जरिया संसाधन सारी बंद हो चुके थे। और इस दौरान अगर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के द्वारा छात्रों के ऊपर फीस दबाव बार बार महाविद्यालय के द्वारा छात्रों को मैसेज किया जा रहा था, फ़ोन के द्वारा उनसे संपर्क किया जा रहा था, जबकि जनरल प्रमोशन जो NSUI की जीत हुई थी उस दौरान जब छात्र अपने महाविद्यालयों में जाकर इस नियम की तहकीकात करते थे, तो महाविद्यालय के प्रशासनों के द्वारा पहले छात्रों को यह बोला जाता था कि पहले आप 3 माह की फीस लाएं। तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जबलपुर के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कुलपति महोदय को ज्ञापन दिए। माननीय दीपेश मिश्रा जी कुलपति जी आए, ज्ञापन रिसीव किया और उन्हें हमें आश्वासन दिया कि हम ये आदेश जरूर जारी करेंगे, जब तक हायर एजुकेशन फीस की गाइडलाइन नहीं देता है तब तक किसी भी महाविद्यालय से छात्रों के को फीस के लिए संपर्क नहीं किया जाएगा।